अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर विराजमान थे, लेकिन महज कुछ दिनों में ही टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए। उनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई है। उनके नेटवर्थ में गिरावट इस कदर हो रही है कि मानो किसी ने गजब की बुरी नजर लगा दी हो। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो ऐसा तहलका मचाया कि वो लगातार एक के बाद एक अमीरों की लिस्ट में फिसलते नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो आगे और भी ना फिसले इसके लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए कंपनी के बोर्ड ने FPO को रद्द करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि शेयर बाजार में हलचल और मार्केट में अस्थिरता को देखते हुए कंपनी अपने निवेशकों के हित की रक्षा करेगा, इसलिए हम FPO से प्राप्त रकम को वापस करने जा रहे हैं और इससे जुड़े लेन देन को खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि FPO किसी कंपनी के पैसे जुटाने का एक तरीका होता है। जो कंपनी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए नए शेयर ऑफर करती है। ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं। गौतम अडानी ने आगे कहा कि आज बाजार में अभूतपूर्व हलचल है और दिन भर हमारे स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहा है। इन असामान्य परिस्थितियों की वजह से कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया है कि FPO की प्रक्रिया को जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। हमारे लिए निवेशकों का हित सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको किसी भी संभावित वित्तीय नुकसान से सुरक्षा देने के लिए बोर्ड ने तय किया है कि FPO को जारी नहीं रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।